हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझा था, उसमें डिजिटल डिवाइड पढ़े, आईसीटी एजुकेशन पढ़ा, ये सारा चीज हमने देख लिया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो मेन चैप्टर्स आपका है, जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कि कंप्यूटर है क्या, कैसे आया, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, जनरेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, नहीं और कितने तरीके के कंप्यूटर्स कब कब आए हैं, ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर और इसी तरह से अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप वगैरह। नहीं, हाँ जी सर, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, क्लास में, और समझेंगे क्या इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए क्या कहता है, कहता है इन द मॉडर्न एरा, आज के एरा में क्या बोला, इन द मॉडर्न एरा कंप्यूटर्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे एग्जिस्टेंस 110%। आप देखिए, आप एग्जाम्स भी देते हैं तो कंप्यूटर में देते हैं, है कि नहीं, तो अपने पार्ट मतलब अपने लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट हो गया क्या, कंप्यूटर हो गया, बिल्कुल सही। कह रहा दैट मीन्स कंप्यूटर्स आर द प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, मेकिंग आवर डे टू डे टास्क इजियर एंड फास्टर। 100% सही बात है कि भाई साहब, हमारे आज में, आज के युग में, इन द मॉडर्न एरा, हर फील्ड में कंप्यूटर्स का यूज है, चाहे वो द टाइप ऑफ लैपटॉप हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन यूज क्या है और वो क्यों है कि सर वो मेरे काम को बड़ा आसान बना देता है, बहुत इजी तरीके से हम सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी कुछ डेटा कलेक्ट करने रहा, कोई इंफॉर्मेशन रहा, कुछ पढ़ना रहा, हर कुछ अवेलेबल में है भाई साहब, सब कुछ हम कंप्यूटर के थ्रू कर लेते हैं। कह रहा है नाउअडेज कंप्यूटर कैन बी सीन इन द बैंक, शॉप, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे एंड मैनी मोर प्लेसेस इंक्लूडिंग आवर होम। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई साहब कंप्यूटर तो हर जगह दिखेगा, इधर मारो जिधर नजर मारो कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, नहीं, हाँ जी सर, तो वो स्कूल, शॉप, सब जगह दिखता है। कह रहा है एज दे आर सच एज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी मस्ट नो अबाउट द बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो देखिए, ये चूंकि हमारे लाइफ का पार्ट है, तो इसीलिए टीचिंग में आईसीटी को इंट्रोडक्शन किया गया, यानी कि आपके सिलेबस में दिया गया कि आपको बेसिकली, आप एक टीचर हैं, बनने जा रहे हैं, तो आपको आईसीटी इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का कुछ कुछ सब बेसिक्स पार्ट तो पता ही होना चाहिए, जिससे आपकी एजुकेशन यानी कि आप जो पढ़ाने जा रहे हो वो हो जाए क्या, ईजी हो जाए, आसान हो जाए। क्लियर है? सो कह रहे हैं लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग द कंप्यूटर फर्स्ट। तो आइए कंप्यूटर को डिफाइन करता है। कहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी यूनिट। तो क्या बोला, कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है किसके अंदर, ऑपरेट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर कंट्रोल करता है और स्टोर भी करता है, किसको स्टोर करता है, अपने मेमोरी यूनिट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे क्या होता है मेमोरी, क्या होता है ये, इसकी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में जानकारी लेंगे। कह रहा है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रॉ डेटा टू गिव इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट। तो क्या बोल रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहां पे रॉ डेटा को प्रोसेस करके हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है आउटपुट के तौर पर। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज अ इनपुट and transforms it under the influence as a set of special instructions called programs and to produce the desired output referred as a information। तो उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इनपुट लेता है, ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है प्रोग्राम्स के थ्रू, और फिर वो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आपको दे देता है। आइए क्या बोल रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो अगर बोल रहा है द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन कैलकुलेट। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करें, सीधी सीधी बातों में हम बात करें, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कैलकुलेट कर सकता है, दैट्स इट, एकदम वेरी सिंपल लैंग्वेज। कह रहा है हाउएवर द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर नॉट जस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एनीमोर। तो आज के युग का जो कंप्यूटर है वो क्या, वो सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है। कह रहा है दे कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। तो आज का जो कंप्यूटर है वो बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है। कह रहा है इन सिंपल टर्म्स अ कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस
डेटा, तो बोल रहा है कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहां हम डेटा को स्टोर भी करते हैं, रिट्राइव भी करते हैं और प्रोसेस भी करते हैं। क्लियर बात? हाँ जी, आइए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार क्या बोला, बोला कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा परफॉर्म इंस्ट्रक्टेड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड गिव्स द आउटपुट। क्लियर बात? क्या बोला, फिर से बोला कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को लेता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस में और फिर वो आउटपुट देता है। कह रहा है व्हाटएवर इज गिवन टू द कंप्यूटर एज अ इनपुट कॉल्ड डेटा व्हाइल द आउटपुट रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देखिए जो भी कंप्यूटर में इनपुट लेता है उसको हम लोग डेटा कहते हैं और जैसे ये जो प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए हिस्ट्री और डिटेल्स हम लोग और बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब एक ब्रीफ हिस्ट्री देता हूं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, नॉर्मल सा चीज जो हम लोग हमेशा करते हैं। कहता था टर्म कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1640 एंड रेफर्ड टू एज वन हु कैलकुलेट्स, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर व्हिच मीन टू कैलकुलेट, विच मीन टू कैलकुलेट। तो बोला द कंप्यूटर टर्म जो आया वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1640 ईस्वी में हुआ था और रेफर्ड इसको बोला जाता, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर का मतलब जो वन हु कैलकुलेट, जो कैलकुलेट कर लेता है उसको हम लोग कंप्यूटर बोले। बोला डिराइव कहाँ गया, लैटिन वर्ड से आया कंप्यूटर से, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कह रहा है इन 1897 इट वॉज नॉन एज द कैलकुलेटिंग मशीन और 1897 में इसको कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा गया। लेटर इन 1945 द टर्म कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच इज नाउ कॉल्ड अ कंप्यूटर। तो 1945 में कंप्यूटर को क्या, टर्म कंप्यूटर को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको हम लोग बाद में क्या बोले, कंप्यूटर बोला गया। कह रहा था कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस दे वर लार्ज एंड कुड फिल इन एन एंटायर रूम। तो बोल रहा है जब कंप्यूटर आया था शुरुआती में तो वो बड़े बड़े रूम्स में लगे होते थे, उतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था। कह रहा सम कंप्यूटर्स वर ऑपरेटेड यूजिंग लार्ज साइज वैक्यूम ट्यूब्स। तो बोल रहा है कुछ कंप्यूटर ऐसे होते थे जो लार्ज साइज के वैक्यूम ट्यूब्स को भी यूज करते थे। In 1833, the Charles Babbage, known as the father of computer, invented by an early calculator. तो देखो, father of a computer, Charles Babbage को कहा गया और इन्होंने क्या किया 1833 में calculator को invent किया था। कह रहा है which was named as a difference engine और जिसका नाम क्या दिया गया था, difference engine। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई difference engine कब आया, 1833 में, father of computer कौन, Charles Babbage। कह रहा later in 1837 he introduced the first mechanical general purpose computer that is called analytical engine। Over time the computers became powerful, the performance and a small in size। तो बोल रहा है time to time पे इसके analytical engine आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, performance और बेहतर होती चले गई computer की और उसकी size और छोटी होती चले गई। अब आइए पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। भाई साहब जनरेशन मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर i5 है, i3 है, वो वाला, वो जनरेशन की बात कर रहा है कि किस किस हिसाब से जनरेशन आते चला गया और फिर हम लोग उसकी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। नहीं देखिए, तो सबसे पहला जो जनरेशन था, ध्यान से देखिएगा, द फर्स्ट जनरेशन कब आया था, 1946 से 1955। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है सर, ये ध्यान रखेंगे कैसे, तो ये इसलिए ध्यान रखना है, इसका एक चार्ट में आइए, पहले मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर हम लोग इस पे आएंगे। नहीं हाँ जी सर, आइए चार्ट की चर्चा पहले हम लोग करते हैं क्योंकि चार्ट खाने का टेस्ट अलग ही है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, तो देखिए जनरेशन क्या, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, 1946 से 1959 यहाँ लिखा हुआ है, डेट 1955 कर लीजिएगा इसको। चलिए ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब। देखिए हार्डवेयर जो इसमें कंपोनेंट लगा था फर्स्ट टाइम में वो वैक्यूम ट्यूब की बात की गई थी। पूछा गया है क्वेश्चन में कि सर फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज होता था, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ मशीन लैंग्वेज यूज होता है, ह्यूज साइज का होता है, बहुत बड़ा साइज का, ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये देखिए दिख रहा होगा, हाँ जी। उसके बाद है हाईली एक्सपेंसिव होता था और हाईली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। अब देखिए कंप्यूटर्स के जो थे कौन थे, इनियाक था, यूनिवेक था, एडवेक था, ये सब की चर्चा हम करेंगे आगे, एडसेक था, ठीक है, और IBM 701 था। तो आपको याद क्या करना है,
फर्स्ट जनरेशन कब आया 1945 से 56 तक, और ये क्या था वैक्यूम ट्यूब था, और वैक्यूम ट्यूब क्या था हार्डवेयर, और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था देख लिया, हाईली साइज का था और कौन कौन से कंप्यूटर थे इसके ये नाम है। सेकंड जनरेशन में क्या था 1956 से 1965 तक, तो इसमें क्या था ट्रांजिस्टर्स आया था और मैग्नेटिक टेप्स आया था, ठीक है इसका हार्डवेयर। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोल रहा है बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए था, एक्सपेंसिव था, यहाँ किसका यूज किया था फोर्ट्रेन और कोबोल को यूज किया जाता था, तो IBM 7000 CDC ये एटलास NCR और ये हनीवेल ये कंप्यूटर्स थे इसमें। थर्ड जनरेशन 65 से 75 तक, इसमें क्या था IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये पूछा गया सवाल है याद रखिएगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है, आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है रिमोट प्रोसेसिंग के लिए क्या था फास्टर कॉम्पैक्ट और चपराई था पास्कल बेसिक अल्गोल ये था इसका यूज, और इसमें जो कंप्यूटर थे वो IBM PDP और CDC था। फोर्थ जनरेशन 75 से 90 तक होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट था है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है VLSI, और यहाँ ULSI अल्ट्रा लार्ज क्या था सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये इसका ये डेफिनेशन था। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में क्या क्या था सर, आपका फोर्थ जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, तो फोर्थ जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक था टाइम शेयरिंग है ना, फास्टर कॉम्पैक्ट C++ डी बेस यहाँ पे यूज होने लगा था। देखिए यहाँ के जो कंप्यूटर थे DC-10 स्टार स्क्रे एप्पल और ये आया था। फिर आ जाइए फिफ्थ जनरेशन में जो 1990 के बाद से अभी तक चल रहा है, ये क्या है ये ULSI माइक्रो प्रोसेसर था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, क्लियर है हाँ जी सर। और यहाँ पे देखिए C++ जावा नेट ये सब आया था, यहाँ IBM पेंटियम और परम ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। चलिए एक चार्ट और मैं बाद में बताऊंगा, अब आइए इसको पहले डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, तो फिर आपकी क्या होगी क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी नहीं हाँ जी सर। आइएगा देखिएगा, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 46 से 55 के बीच में, मेजर इनोवेशन क्या था इसका वैक्यूम ट्यूब, मेन मेमोरी पंच कार्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पंच कार्ड एंड पेपर, लैंग्वेजेस लो लेवल मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, और साइज क्या था मेन फ्रेम बड़ा वाला साइज था, ठीक है इनवैक इडवैक क्या होता है बड़ा वाला साइज वो हम आपको देख के वो आपको बताएंगे नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो क्लियर बात हाँ जी सर। आई नेक्स्ट चलें तो सेकंड जनरेशन 55 से 65 तक, ये कौन से स्पीड में था जी 55 से 65 के बीच में, मेजर इनोवेशन इसका क्या था ट्रांजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स को मेन कॉन्सेप्ट कंपोनेंट था इसका, मेन मेमोरी क्या था रैम रोम, एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या था मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क इसको याद करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, और लैंग्वेजेस जो थे कौन कौन था सर असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज और जैसे बेसिक कोबोल और फोर्ट्रेन ये यूज किया जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था ह्यूमन हैंडल्स पंच कार्ड ये यूज किया जाता था, साइज मेन फ्रेम ये भी बड़ा वाला यूज था, उसके कौन कौन से एग्जांपल है IBM 401 NCR 300 और IBM 600। देखिए जी ये तो डेटा बेस्ड है इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं है ठीक है, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली ये ज्यादा पूछे जाते हैं कि जनरेशन का डेट कब है मेजर इनोवेशन क्या और मेन मेमोरी क्या है ये चीज आपके पूछे जाने वाले हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर इसमें क्या समझाना हाँ ये चीज है रैम क्या होता है रोम क्या होता है प्रोम क्या होता है वो आगे डिटेल्ड में समझेंगे, तो बस अभी जनरेशन में ये समझ लीजिए कि इसमें ये यूज होता है जब उसको पढ़ेंगे तो ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए थर्ड जनरेशन में क्या था सर 1965 से 75 में आया, मेजर इनोवेशन क्या है इसका IC इंटीग्रेटेड सर्किट एज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मेन मेमोरी क्या था प्रोम और DRAM, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या इंप्रूविंग डिस्क फ्लॉपी डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड आउटपुट मॉनिटर और ये यूज करता था, लैंग्वेज क्या है मोर हाई लेवल लैंग्वेज, तो देखिए तीन लेवल के लैंग्वेज होते हैं वो भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे हाई लेवल लो लेवल और असेंबली लैंग्वेज ठीक है वो एक वो होता था, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है बोलता है कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था ये बात ध्यान से मेंशन करिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड जनरेशन में। फिर देखिए साइज मिनी यहाँ मिनी साइज का यूज किया गया जैसे IBM सिस्टम 360 ICH-60 हनीवेल यहाँ यूज किया गया। आइए फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में क्या था सर फोर्थ जनरेशन में 1975 से 90 के बीच में मेजर इनोवेशन LSIC और VLIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था, मेन मेमोरी क्या था यहाँ EEPROM और SRAM था, एक्सटर्नल स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क,
इनपुट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर फॉर आउटपुट लैंग्वेज लैंग्वेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस और पीसी डॉस ये यूज किया जाएगा साइज माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर आईबीएम एप्पल और मैक देखिये ये सब चीज ना हम लोग सब पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे स्टोरेज क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है लैंग्वेजेस सारा कुछ आगे पढ़ना है बस सब्र बना के रखें अभी बस इतना आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट चलें फिफ्थ जनरेशन आइएगा जी क्या बोल रहा है फिफ्थ जनरेशन क्या बोला 1990 से कंटिन्यू है ठीक है अभी तक जो चल रहा है। अब मेजर इनोवेशन क्या है ULSICs अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है। मेन मेमोरी क्या है EEPROM सिम और डिम एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है मॉडिफाइड मैग्नेट और ऑप्टिकल डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस स्कैनर एज ए इनपुट एंड मॉनिटर एज ए आउटपुट। लैंग्वेज क्या है सर यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट टाइम यही पे आया था नहीं क्लियर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और विंडोज 95 विजुअल एनटी साइज वेरी स्मॉल इन साइज जैसे लैपटॉप नोटबुक डिजिटल लाइब्रेरी पाम टॉप ये सारा चीज फिफ्थ जनरेशन का चीज है क्लियर है बात समझ में आ गई। हाँ जी सर समझ में आ गई। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया और चलिए एक दो चार्ट और क्लियर कर लेते हैं तो फिर क्या होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है। देखिए याद क्या होगा याद क्या करना ध्यान रखिएगा फर्स्ट जनरेशन का टाइम सर 45 से 55 45 से 55 55 से 65 65 से 75 75 से 90 और 90 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है ठीक है। फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में एसएलआईसी और वीएलआईसी। एसएलआईसी मतलब वेरी लार्ज और एलएसआईसी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और जो फिफ्थ जनरेशन में है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है SIC कर लीजिएगा इसको ठीक है। उसके बाद मेमोरी कौन सा तो सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम फिर मैग्नेटिक टेप फिर है हाई मेमोरी डिवाइस फिर है CD/DVD और लास्ट में आया जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लैंग्वेज कौन सा यूज तो सबसे पहले हमें मशीन और असेंबली सेकंड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रेन थर्ड जनरेशन में कोबोल फोर्ट्रेन सी और फिर फोर्थ जनरेशन में C++ पर्ली पाइथन रूबी SQL और लास्ट में मर्करी एल्पलिप्स O5 एंड प्रोलोग ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बोल रहा है बैच OS का टाइम शेयरिंग OS रियल टाइम OS माइक्रो कर्नल मल्टीपल विंडोज एंड किप्स। अब नेक्स्ट चलें एग्जांपल कौन सा सर एग्जांपल कौन सा कंप्यूटर था तो ENIAC EDVAC और UNIVAC। यहाँ UNIVAC लार्क CDC यहाँ सीरीज PD811 और साइबर 6600 यहाँ क्रे यहाँ परम 800 डेस्कटॉप और लैपटॉप आ गया क्लियर है बात। हाँ जी सर आइए फिर वही चीज है सेम चार्ट है इसको भी एक बार देख लीजिएगा 40 55 55 65 65 से 75 75 से 90 और 90 से अभी तक ये कर लीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रोप्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइज ऑफ कंप्यूटर वैल्यूज आर स्मॉलर देन मच स्मॉलर माइक्रो आरटीडी कंप्यूटर्स ठीक है। अब और क्या फिर यहाँ आ जाइए स्टोरेज डिवाइस में ठीक है मैग्नेटिक टेप हार्डवेयर एंड प्रॉपर्टीज अब वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा मशीन लैंग्वेज फिर असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेमस क्या है NVAC ये तो अभी मैंने बहुत बार बता दिया इसको एक बार देख लीजिएगा क्लियर है बात। हाँ जी सर अब चलिए नेक्स्ट जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे क्लियर है बात। हाँ जी सर आपको दिख रहा था ना सब कुछ। हाँ जी तो अब हम जो भी चीज़ है वो अगले क्लास में देखेंगे आज के लिए इतना ही ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के डेटा के साथ है ना। तो थैंक यू वेरी मच जय हिंद।